हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ पराठा, परथी पराठा। तो इसके लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैदा है, ये एक कप मैदा है, एक कप आटा है, रेगुलर आटा जो आपका है, पिंच ऑफ थ्री, दो तीन पिंच सॉल्ट के हैं। पराठा है पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए। घी असल में ये हमारा है जो पराठे, वो पराठे को फ्राई करने के लिए। पानी है नॉर्मल, अब मैं बॉल लेती हूँ, उसके अंदर तीनों चीज़ों को ऐड करती हूँ। चला गया, थोड़े से पानी से भून लेते हैं। भून के मैं आपको दिखाती हूँ इसको। हाँ जी, ये मेरा आटा देखें भून गया है। भूनने के बाद इसको मैंने 10 मिनट फ्रिज में रख दें। मैंने तो बस अभी जल्दी से कर रही हूँ, लेकिन आप इसको 10-15 मिनट तक फ्रिज में रख दें। और इसके लिए खुश्का या मैदा, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है, मैंने मैदा लिया है, खुश्कों में से मैदा या आटा हो तो आप वो इसमें लगा लीजिएगा। अब हम इसके बॉल तोड़ते हैं। इसकी सॉफ्ट देखें, इसको जरा सा वैसे हार्ड ही रखिएगा, ये देखें ऐसा है, ताकि आपसे संभाला भी जा सके। वैसे तो नरम आटे का सबसे अच्छा बनता है, लेकिन शुरू में करें तो उसको ज़रा सा हार्ड रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आटे को सॉफ्ट करते रहें। ठीक है, ये हो गया। रोटी पैन से इसको रोल करा, रोल करने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाया। और भी बहुत सारी किस्म के पराठे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उनमें से ये एक पराठा ये है जो आप ट्राई कीजिएगा, बताइएगा अगर कैसा लगा आपको। मुझे इसके ऊपर सारे पे ऑयल लगा लिया हमने, ऑयल लगाएं या घी लगाएं, घी से ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो फिर आप घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर स्प्रिंग कर देंगे मैदा, और इसको रोल करना शुरू करें। मैं जिस साइड से जहाँ बड़ी हो उससे रोल करें, ताकि आपका बड़ा आ जाए, रोलिंग बड़ी हो। ये रोल होने के बाद इसको ऐसे करें, पेड़ा बनाए। मैं एक और पेड़ा बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बनाना। अच्छा, जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे और उसको फैला के आप इसमें ये ऑयल और ये लगाएंगे, उतना अच्छा पराठा बनेगा। तो लोग छोटी सी बनाते हैं और उस पर लगा देते हैं, लेकिन ये जितनी बड़ी होगी उतना ही आपका पराठा अच्छा बनेगा। ज़ाहिर उसमें बल उतने ज़्यादा आएंगे जितनी बड़ी होगी। जैसे ये बड़ी बनाई है मैंने, ये लगा लें। ये लगाने के बाद आप इसके अंदर खुश्का डालें, व्हाटएवर मैदा है या आटा है ये आपकी पसंद है। ये मैंने इसको रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको बाइंड करें, ताकि आपस में मिक्सअप हो जाए। इसका पेड़ा बनाना शुरू कर दें। ठीक है, आटे को थोड़ी देर रख दीजिएगा, 10-15 मिनट तो कम से कम रखें, ताकि वो ठहर जाए, फिर बनाना शुरू कीजिएगा। मेरे
मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने रखा नहीं है इसको। अब हम चूल्हे पर डाल के दिखाती हूँ। इसको मूव करते रहिएगा ताकि ये एक जगह से ना पके, सारे में से इकट्ठा पके, मतलब सारी जगह पे उसकी हीट लगे ना। ऐसे मीडियम फ्लेम पे, फिर बाद में हाई कर दीजिएगा उसकी चूल्हे की आँच, बाद में तेज कर दें। मेरा तवा गर्म था इसलिए जल्दी हो गया, तवा ठंडा ना हो। ये देखें आप उसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी इसके अंदर ना, ये नज़र आ रही है ना, ये इस तरह ये आपकी उसके अंदर वाली भी नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रही है। इस तरह ये लेयर्स आपको नज़र आएंगी पराठे में, फिर पराठा बनते हुए भी। ये हाँ जी, ये पराठे रेडी हो गए मेरे। आप देखें ये कितने खस्ता बने हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने आपको पकड़ने से ना क्रिस्पी फील इसका हो रहा होगा। ये देखें दूसरा भी आप देखें और पढ़ते हैं आप इसकी देखें। तो ये हमारे पराठे जो हैं क्रिस्पी पराठे रेडी हो गए हैं। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ मैंने स्पेनिश ऑमलेट बनाया है, अगर आपने ये बनाना है तो मेरी वो रेसिपी देखें, वो डली हुई है यूट्यूब पे, वही देखें और उसको भी बनाएं और इसको भी बनाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।